माइलेज एक्चुअली It is about to enter the parking surveillance. मेंटेनेंस मेरे को लगता है इसको नॉर्मल सफारी से इसका मेंटेनेंस कम है. अगर आप इंटीरियर की बात, सबसे अच्छा रीजन यही है कि ये सफारी है. इसका सस्पेंशन सेटिंग जो मैंने इसकी आपके वीडियो में भी देखा, बात 7 सीटर ऑटोमेटिक कार कोई और मार्केट में अवेलेबल नहीं है. Hey guys, welcome to another video of Nick Zeek. आज मेरे साथ हैं आशुतोष जी जो कि गुड़गांव शहर में टाटा सफारी एडवेंचर पर्सोना के यूजर हैं. एंड आई थिंक ऑल ओवर इंडिया में सबसे खूबसूरत दिखने वाली टाटा सफारी एडवेंचर पर्सोना इन्हीं के पास है. ना सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक एडवेंचर पर्सोना है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे चेंजेस करवाए हैं उस गाड़ी के एक्सटीरियर में कि वो ज्यादा खूबसूरत भी लग रही है, एक्साइटिंग भी लग रही है और बहुत ज्यादा सोलफुल लग रही है. एंड सोलफुल से याद आया, बैंड ऑफ सफारी सोल्स, ये बॉस नाम का जो ग्रुप है टाटा सफारी ऑल ओवर इंडिया का, बिल्कुल थग ग्रुप जैसा हैरियर का है, वैसे एक ग्रुप बन चुका है सफारी ओनर्स का, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है. उसके भी वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स हैं आशुतोष जी. तो अब बिना किसी तरीके आशुतोष जी से मिलते हैं और जानते हैं उनका कैसा एक्सपीरियंस रह रहा है इस गाड़ी के साथ में, एडवेंचर पर्सनों के साथ में उनको कैसा फील होता है, गाड़ी का मेंटेनेंस, माइलेज, ड्राइव डायनेमिक्स, कंफर्ट लेवल, ये सब कुछ उनको कैसा एक्सपीरियंस दे रहा है. क्योंकि टाटा सफारी एडवेंचर पर्सोना ओनर ही सबसे अच्छी तरीके से बता सकते हैं कि वो गाड़ी कितनी अच्छी है कितनी नहीं. उन्होंने 5000 किलोमीटर से ज्यादा ऑलरेडी ड्राइव कर लिया है. तो अगर आप टाटा सफारी परचेस करने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें. एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट. तो आशुतोष जी, सबसे पहले तो अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, आप कौन से शहर से हैं, कौन सी गाड़ी आपने ली हुई है और आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस कितने साल का है? हेलो, मेरा नाम है आशुतोष शुक्ला, मैं हूँ गुड़गांव से. मैं एक ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल हूँ एक केमिकल कंपनी में, और ड्राइविंग मेरा पैशन है. मुझे ड्राइविंग काफ़ी अच्छी लगती है. मैं करीब 14 साल से ड्राइविंग कर रहा हूँ. मेरी पहली कार थी मारुति वैगन आर, उसके बाद मैंने चलाई फिएट ग्रैंड पुंटो, उसके बाद महिंद्रा स्कॉर्पियो, और अभी रिसेंटली मेरे पास थी हुंडई वरना ऑटोमेटिक पेट्रोल. और मैंने टोटल पिछले 14 सालों में करीब 2,50,000 किलोमीटर की ड्राइविंग करी है. थैंक यू फॉर योर इंट्रोडक्शन आशुतोष जी. अब बताइए कि टाटा सफारी आपने परचेस कब की और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा परचेस करते वक्त टाटा के स्टाफ के साथ में? मेरे टाटा सफारी की खरीद का पूरा जो एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा था. मैंने 9 फरवरी को टेस्ट ड्राइव करी गाड़ी और मुझे काफ़ी अच्छी लगी चलाने में, लेकिन सिर्फ एक मेरे अंदर डाउट था. बहुत सारा क्रोम था गाड़ी में और मुझे क्रोम बहुत पसंद नहीं है, तो मैं थोड़ा सोच रहा था इसके बारे में. और फिर 23 तारीख को जब प्राइस अनवील हुआ और उसके साथ में एडवेंचर पर्सोना वेरियंट भी लॉन्च हुआ, और मुझे काफ़ी पसंद आया. पूरा ब्लैक ट्रीटमेंट था उसमें और कलर भी यूनिक था, ट्रॉपिकल मिस्ट. सो तुरंत उसी दिन जाके हमने बुक कर दी. और पहले हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ सेल्स डिलीवरी की डेट को लेके, लेकिन उसके बाद अंत भला तो सब भला, तो डिलीवरी हुई 9 मार्च को और तब से हम सफारी चला रहे हैं. अब बताइए कि गाड़ी की ऑन रोड कॉस्ट कितनी देनी पड़ी आपको और गाड़ी पर, और कितना स्पेंडिंग आपको करना पड़ा गाड़ी में एक्सटीरियर की कोटिंग वगैरह करवाने के लिए, या कुछ एक्सेसरीज अगर आपने इंस्टॉल करवाई हो तो उसकी कॉस्ट क्या पड़ी आपको टोटल? गुड़गांव में टाटा सफारी की कीमत है 21,45,000 एक शोरूम. मैंने टोटल इंश्योरेंस और रोड टैक्स सब कुछ मिलाकर लगभग खर्च किया 24,60,000 रुपये. करीब 21,000 रुपये की एक्सेसरीज लगवाई, जिसमें बोनेट स्कूप, अंडर बॉडी लाइट, मैट्स और कुछ और चीज़ें थी जो ज़रूरी चीज़ें. और उसके बाद जब पहली सर्विस के लिए गया तो सर्विस सेंटर ने ऑफ़र किया मुझे कि अंडर बॉडी कोटिंग और एंटी रस्ट ट्रीटमेंट, तो वो भी मैं सब गाड़ियों में करवाता हूँ, तो मैंने इसमें भी करवाया. मैंने सिरामिक कोटिंग भी करवाई है इसमें, लगभग 35,000 रुपये लगे थे खर्च किए. और उसके बाद अभी मैंने रिसेंटली इसको डुअल टोन करवाया है, रैपिंग कराई है ऊपर रूफ पे, उसमें करीब 15,000 रुपये खर्च हुए, तो जिस ओवरऑल इतना खर्चा आया है अभी तक. एक क्वेश्चन है जो बहुत लोगों के मन में रहेगा कि आपने सफारी ही क्यों चूज की इस साल, जो गाड़ी नहीं आई हुई है, बहुत लोगों को अभी पता भी नहीं है कि गाड़ी कितनी सक्सेसफुल रहेगी या नहीं, फिर भी आपने इनिशियल डेज में ये गाड़ी खरीद ली. और इसके अलावा कई लोगों का क्वेश्चन ये भी रहता है कि MG Hector Plus का भी एक ऑप्शन था, उसके अलावा XUV 500 और अपकमिंग XUV 700 भी है, तो XUV 700 के लिए भी कई लोग वेट कर रहे हैं, तो आपका क्या प्लान था ये गाड़ी को चूज करने के पीछे? सफारी क्यों ली, इसका सबसे अच्छा रीज़न यही है कि ये सफारी है. और
सेवन सीटर ऑटोमेटिक कार कोई और मार्केट में अवेलेबल नहीं है, बट मजबूरी में नहीं क्या ये डिसीजन वी वर फॉलोइंग। हम करीब 2 साल जब से लास्ट ऑटो एक्सपो में पहली बार ग्रेविटास दिखाई गई थी और तभी से हम फॉलो कर रहे थे कि ये कब आने वाली है, और मेरा बेटा भी मेरे साथ में गया था, ही ऑल्सो उसको भी बहुत पसंद आई थी। तो हाँ मतलब वी वर हम फॉलो कर रहे थे इसको और सफारी लॉन्च हुई और लाइक सोने पे सुहागा कि इसका नाम उन्होंने सफारी रख दिया। तो एक साथ बहुत सारी एक्सपेक्टेशन पूरी हो गई। एक्सयूवी ऑप्शन में नहीं है बिकॉज ऑब्वियसली इट इज़ डिलेड, एंड और दूसरा जो मेन रीज़न है कि जो एक्सटीरियर उसके जो स्पाइस हॉट में बाहर आ रहे हैं वो भी मुझे बहुत खास पसंद नहीं आए। तो और सफारी का लुक एसयूवी लुक में सबसे टॉप क्लास है, तो यही एक रीज़न है सफारी के लिए। अब हम जानना चाहेंगे कि आप इस गाड़ी में कितना घूम चुके हैं और कैसा रहा राइड कंफर्ट, ड्राइविंग डायनेमिक्स वगैरह कैसे रहे, आपको कितना मजा आ रहा है इस गाड़ी को चलाने में या इसमें ट्रैवल करने में। अब सफारी के राइड कंफर्ट के बारे में आपका सवाल है, तो डेफिनेटली इसका राइड कंफर्ट बहुत अच्छा है। इसका सस्पेंशन सेटिंग जो मैंने इसकी आपके वीडियो में भी देखा बाद में और पहले से भी काफ़ी स्टडी किया था, तो यही पता चला कि सस्पेंशन सेटिंग बहुत अच्छी है, यूनिक है इन टर्म्स ऑफ एसयूवी, और किसी भी पॉट होल्स या रफ रोड पे भी जाने में अंदर कुछ पता नहीं चलता, बहुत ज़्यादा हिलता डुलता भी नहीं है अंदर, तो बहुत अच्छा है। हमने इस पे इससे करीब 5,500 किलोमीटर चला चुके हैं, 2 चक्कर हमने लगाए अपने होम टाउन के लखनऊ और कानपुर में, तो हमारा एक्सप्रेसवे का रास्ता है सारा, और एक्सप्रेसवे पे बहुत ही स्मूथ राइड और कंफर्ट मिलता है। इस गाड़ी में हर तरह के ड्राइवर के लिए और हर तरह के मूड के लिए गाड़ी चलाने में आपको एक्सपीरियंस मिल सकता है। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं आराम से एक्सप्रेसवे पे, पुट इट क्रूज लगाइए 90 पे, इकोनॉमी मोड में सेट करिए और बस चलते जाइए, इट विल बी लाइक अमेजिंग ड्राइव। और अगर आपको क्विक ओवरटेक्स करने हैं तो जस्ट एक बटन है स्पोर्ट्स मोड, उसको क्लिक करिए और ड्राइव का अलग फन है, वो भी समटाइम्स आई यूज स्पोर्ट्स मोड, इट्स अ वेरी वेरी क्रेजी पार्ट ऑफ सफारी आई मस्ट से। तो ओवरऑल बहुत अच्छा है, बैठने में भी पूरी फैमिली को काफ़ी स्पेस का कोई कमी नहीं है। कुछ लोग एसी का इशू बोलते हैं, बट मेरे ख्याल से अगर पीछे वाला थर्ड रूम है, वी हैव अ सेपरेट कंपार्टमेंट, सेकेंड जोन ऑफ एसी, सो इफ यू स्विच इट ऑन देर इज नो प्रॉब्लम इन एसी ऑल्सो। अच्छा आशुतोष जी, एडवेंचर पर्सनों को सिलेक्ट करने का क्या स्पेसिफिक रीजन रहा आपका, मतलब आपको ये वाला कलर बहुत ज़रा पसंद होगा ये तो हम समझ में आता है, बट क्या कोई क्रिएटिव थॉट भी था आपके मन में कि इसको लेकर के कुछ मॉडिफाई वगैरह करेंगे, या फिर कुछ और आपने सोचा हुआ था कि एडवेंचर रिलेटेड आपका जो एंथुसियाज्म है उसमें ये मैच करेगा, ये हम जरूर जानना चाहेंगे आपसे। एडवेंचर पर्सोना क्यों ली, इसने एक्चुअली हमें हेल्प किया हमारा डिसीजन पक्का करने में एडवेंचर पर्सोना के आने के बाद, क्योंकि जैसे पहले बताया मैंने आपको कि क्रोम बहुत ज़्यादा था नॉर्मल जो सफारी है उसमें, तो इसमें ऑल ब्लैक्ड आउट एक्सटीरियर, नो क्रोम पार्ट्स, सो बहुत अच्छा था, और इसका कलर बहुत यूनिक है, और मीन्स इट कैन नॉट बी, इसका आप मिस्टेक नहीं कर सकते इसको पहचानने में कि एडवेंचर पर्सोना नहीं है, तो यस। एडवेंचर पर्सोना में हैवी मेंटेनेंस भी लगता है क्या, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई लोगों के मन में, क्योंकि दिस इज अ वेरी डिफरेंट कलर, एंड अगर वो बहुत ज़्यादा खर्चा रिक्वायर करता होगा तो लोग जानना चाहेंगे उसको चूज करने के पहले भी, बिकॉज दिस कलर इज रेयर ऑन द रोड राइट नाउ। अबाउट मेंटेनेंस मुझे नहीं लगता कि इसमें मेंटेनेंस, मेरे को लगता है इसको नॉर्मल सफारी से इसका मेंटेनेंस कम है। अगर आप इंटीरियर की बात करो, नॉर्मल सफारी में ऑयस्टर वाइट सीट कवर्स आते हैं, इसमें बेज इंटीरियर्स हैं और सीट दिस इज सो नाइस, सो पता भी नहीं चलता इसमें और गंदगी, इट कंटेन्स सर्टेन अमाउंट ऑफ डस्ट, एंड मेंटेनेंस में कोई भी परेशानी मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत है, और बाकी इस लेवल की गाड़ी में सफाई और इंटीरियर और एक्सटीरियर का मेंटेन करना तो यस डेफिनेटली होना ही चाहिए। अब बताइए कि टाटा की सर्विस सेंटर के साथ में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, मतलब आप इस गाड़ी की सर्विस पर कितना स्पेंड कर चुके हैं वो बताइए, और क्या आपको सर्विस क्वालिटी अच्छी मिल रही है टाटा की तरफ से, आपने पहले भी कभी टाटा की सर्विस एक्सपीरियंस की होगी तो उसके बारे में बताइए। सर्विस तो एक्चुअली मतलब दैट वाज द सबसे जो डर वाला पार्ट था वो यही था कि टाटा की गाड़ी ले रहे हैं अब उसमें सर्विस सेंटर पे भी जाना पड़ेगा, और मेरे पास पहले फिएट पुंटो थी 2009 से, और जब तक टाटा के साथ में उसका मेंटेनेंस था मैं बहुत परेशान, मैंने बहुत सारे सर्विस सेंटर बदले,
बट लेकिन उसके बाद एक चीज मैंने रियलाइज करी है, बहुत सारे ब्रांड यूज किए मैंने, महिंद्रा यूज किया, हुंडई यूज किया, तो इट्स ये ज्यादा है वहां पे लोग कैसे हैं, एंड आई थिंक वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है कि आपका सर्विस सेंटर में जो लोग हैं वो कैसे हैं। और मेरे ख्याल से लकी हूं मैं कि अभी गुड़गांव में जो सर्विस सेंटर है टाटा का, वहां पर जब मैं पहली बार सर्विस के लिए गया तो सर्विस एडवाइजर बहुत अच्छे आदमी है, तो उन्होंने देखा और उन्होंने खुद बताया मेरे को कि सर ये अभी बहुत ज्यादा गाड़ियां हमारे पास नहीं आई है सर्विस करने के लिए, पहली या दूसरी ही गाड़ी है, तो आप हमें प्रॉब्लम बताइए, अगर हम उसको सोल्यूशन नहीं होगा हमारे पास हम उसको वी विल सर्च। सो दे हैव अ ज़ील टू हेल्प, दे सेड कि आप बस बताइए हम आज नहीं तो कल आपका प्रॉब्लम सॉल्व करके देंगे। और वो मुझे सबसे अच्छा लगा, मतलब वो जमीन आसमान का अंतर है 2009 से और आज में, तो मेरे ख्याल से आई थिंक तो बहुत कंफर्ट मिला आफ्टर फर्स्ट सर्विस की यस मीन सर्विस का उतना इशू अब नहीं है। और बाकी एज अ कस्टमर इट्स हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम प्रॉपर फीडबैक दें और उनको अच्छी सर्विस के लिए मोटिवेट करते रहें। पहली सर्विस मैंने कराई है अभी, वो जीरो कॉस्ट सर्विस थी, तो कोई भी कॉस्ट नहीं आई, थोड़ा सा बिल बना था क्योंकि मैंने अंडरबॉडी पेंट वगैरह करवाया था, तो बस वही कॉस्ट था। अभी सर्विस के बारे में, मतलब कॉस्ट के बारे में भी अभी कुछ खर्चा नहीं हुआ। अच्छा, हमारे कुछ प्रैक्टिकल बायर्स भी होते हैं, खास करके टाटा सफारी और टाटा हैरियर में भी कई लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि गाड़ी कितनी ज्यादा प्रैक्टिकल है, सो माइलेज कितना मिल रहा है आपको सिटी और हाईवे पे? आपने कुछ अच्छा रिकॉर्ड किया होगा अगर इतना चला लिया है तो, हाईवे एक्सपीरियंसेस आपने बहुत सारे ले लिए हैं, सिटी में भी बहुत सारा चला लिया होगा, डेली ड्राइविंग भी की होगी, सो क्या आपको अच्छा माइलेज मिल रहा है या थोड़ा नॉर्मल माइलेज मिल रहा है? माइलेज एक्चुअली इस गाड़ी को लेने के टाइम पे सोचा नहीं था कि माइलेज के बारे में देखेंगे या मतलब ऐसा कुछ, 10-12 देगी तो इट्स ओके, बट पहले ही जब लॉन्ग ट्रिप किया हमने और उस टाइम मैं ज़्यादा ड्राइव मोड यूज़ नहीं कर रहा था, तो तब भी ऑलमोस्ट लाइक 100 के क्रूज पे सिटी ड्राइव मोड में मुझे 16 का हाईवे में माइलेज मिला। सेकेंड टाइम जब हम हाईवे पे गए तो उस टाइम मैंने डिसाइड किया कि आज इकोनॉमी मोड में चला के देखता हूँ, तो उस दिन मैंने 90 पे, जब एक्सप्रेसवे पे पहुँच गए, नॉर्मली थोड़ा सिटी के अंदर का रूट था, एक्सप्रेसवे पे पहुँचने के बाद मैंने उसको 90 पे क्रूज सेट किया और आई पुट इट ऑन इकोनॉमी मोड, और उसके बाद जब हम लखनऊ पहुँचे तो एवरेज मिला था हमें ऑलमोस्ट 19 का, सो दैट वॉज अ सरप्राइज फॉर मी, मतलब इतनी बड़ी गाड़ी के लिए 19 का माइलेज समथिंग वेरी नाइस। शहर के अंदर नॉर्मली 10-12 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज मिल रहा है मुझे, एंड आई थिंक इट्स क्वाइट सेटिस्फाइंग विद ऑटोमेटिक एंड डीजल एंड सच ए ह्यूज कार, माइलेज इज गुड। अब वैसे तो गाड़ी के साथ आप काफी नए हैं, 5000 किलोमीटर ही आपने स्पेंड किए हैं, बट स्टिल आई वुड थिंक कि कुछ ना कुछ तो आपको प्रोज एंड कॉन्स भी समझ में आ ही गए होंगे गाड़ी के, तो वो बताइए कि ऑनेस्टली आपको क्या लगता है गाड़ी में कितने प्रोज हैं, क्या कॉन्स ऐसे हैं जो कंपनी को इम्प्रूव करके देना चाहिए था लॉन्च के पहले या फिर अब इम्प्रूव कर सकती है कंपनी, वो जरूर बताइए। अगर आप मेरे से अच्छाइयों और बुराइयों के बारे में पूछें, प्रोज एंड कॉन्स जैसा आपका सवाल है, तो प्रोज आई थिंक सबसे स्ट्रांग प्रो यही है कि बेस्ट ऑटोमेटिक डीजल 7-सीटर SUV अवेलेबल इन मार्केट विद एडवांस फीचर्स, एंड इसका प्लेटफॉर्म, टाटा की सेफ्टी प्रॉमिस और फीचर्स, ड्राइव राइड क्वालिटी, ऑल दीज आर पॉजिटिव्स, म्यूजिक सिस्टम। एंड अगर कॉन्स की बात करें तो मेरे ख्याल से एक कॉन है जो जो आई थिंक थोड़ा टाटा को काम करना चाहिए, वो है नेगेटिव पब्लिसिटी अबाउट टाटा। तो आप सोशल मीडिया पे जाइए, आप एक बंदा कोई टाटा की जरा सी बुराई करेगा उसमें 10 लोग आ जाएंगे बताने के लिए कि टाटा इज़ नॉट गुड, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट ट्रू, एंड वी हैव टू आफ्टर बाइंग, हमें सफारी लेने के बाद में बहुत लोगों को कन्विंस करना पड़ा कि नहीं इट्स अ गुड प्रोडक्ट, आप इसको ले सकते हैं आप, और वो हम करते रहेंगे वोकल फॉर लोकल के लिए और टाटा जैसे अच्छे ब्रांड को प्रमोट करने के लिए। बट आई थिंक टाटा को भी अपने ब्रांड बिल्डिंग पे और आफ्टर सेल सर्विस के बारे में जो नेगेटिव वाइब्स हैं उसको कम करने की तरफ कुछ काम करना चाहिए। अब क्योंकि आप भी जानते हैं कि बहुत ही ज्यादा मॉडर्न टचेस के साथ में ये गाड़ी लॉन्च की है कंपनी ने, और 7-सीटर ऑटोमेटिक में सबसे अच्छे ऑप्शंस में से एक ये गाड़ी है, तो क्या आपको प्रीमियमनेस और फीचर्स और कैबिन में अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स जो ऑफर किए गए उनमें से आपका फेवरेट फीचर कौन सा है वो जरूर बताइए? बेस्ट फीचर सिर्फ एक बताना है थोड़ा मुश्किल होगा, यस म्यूजिक
बट मेरे कई सारे फेवरेट हैं, म्यूजिक, सनरूफ, ये सीट, ड्राइविंग सीट, इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट के साथ, बॉस मोड मेरे बेटे का फेवरेट है, पीछे की सीट मेरी फैमिली की फेवरेट है, माय यंगर सन लाइक्स दैट मिडिल सीट अलॉट बिकॉज ही फ्रॉम सिटिंग हियर ही कैन सी, उसको आगे क्या हो रहा है सब देख सकता है, तो दीज आर ऑल। अच्छा, कंपनी ने गाड़ी में इतना हाई एंड फीचर्स भी दे दिए हैं, मल्टीपल ड्राइव मोड्स दिए हुए हैं, टेरन मोड्स दिए हुए हैं, तो क्या आपको भी डेली ड्राइविंग में कभी ऐसा लगता है काम आते हैं वो फीचर्स, या बस बहुत ज्यादा हाईटेक फीचर है उनकी जरूरत नहीं पड़ रही है? और अगर आपने कभी यूज किए होंगे वो मोड्स, तो क्या आपको कोई इनर्मस डिफरेंस फील होता है ड्राइविंग में, क्वालिटी वगैरह चेंज होती है ड्राइव की, वो बताइए। ड्राइव मोड्स एंड टेरन मोड्स के बारे में, ड्राइव मोड्स जैसे मैंने बताया पिछले आपके क्वेश्चन में कि इसका एवरेज में काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है, पावर डिलीवरी कम्प्लीटली चेंजेस अगर, और शायद मैंने इसके बारे में पढ़ा है कि स्पोर्ट्स मोड में इट गिव्स यू फुल पावर लाइक 170 HP द इंजन कैपेसिटी, एंड इन इकोनॉमी मोड थोड़ा कम हो जाता है। सिटी मोड नॉर्मली अच्छा है शहर के अंदर, आपको अगर क्विक एक्सेलरेशन चाहिए या उसके लिए। टेरेन मोड्स मैंने वेट मोड यूज़ किया एक बार, बारिश अभी शुरू हुई है, अभी पीछे एक दिन मैं जा रहा था, तो वेट मोड में आई फेल्ट डिफरेंस। उसमें क्या होता है, जैसे ही वेट मोड में आप डालते हो उसके बाद आप ब्रेक लगाते हो, सो लाइक इट यू गेट एन एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस कि हाँ जब मैं ब्रेक लगाऊंगा तो इट विल स्टॉप, इट इज़ नॉट लाइक कि रेन है तो इट कैन स्किड और समथिंग, तो बहुत दैट इज़ गुड। रफ मोड रोड मोड अभी यूज़ नहीं किया, तो आगे के लिए रखा हुआ है इसको, जब यूज़ करेंगे फिर बताएंगे। अब जो गाड़ी में MID दिया हुआ है और जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन दी हुई है वो कितने फ्लॉलेसली वर्क कर रही है आपके सफारी में, वो भी मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी कुछ टाटा हैरियर ओनर्स को भी इनमें लैग मिला था और टाटा हैरियर के काफी सारे फीचर्स बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी के साथ में ही सफारी में इंट्रोड्यूस किए गए हैं, तो टेल अस कि आपको फ्लॉलेसली इसमें अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है या आपको भी कोई लैग वगैरह नोटिस होता है इनके सॉफ्टवेयर वगैरह में? सो MID और इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में, हाँ शुरुआत में प्रॉब्लम था, जब भी मैं कनेक्ट करता था एंड्रॉयड ऑटो अपने आप डिसकनेक्ट हो जाएगा या नहीं हो रहा है, तो प्रॉब्लम था, देन आई वेंट देयर, तो सबसे पहले तो उन्होंने इसका सॉफ्टवेयर अपग्रेड किया, इट वाज ओल्डर वर्जन, तो एंड देन दे आस्क्ड मी टू बाय जेन्युइन केबल, जो ओरिजिनल केबल है सैमसंग का वो खरीदने को बोला, और वो केबल से चेंज करने के बाद अब एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट करता हूँ, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ सॉर्टेड है। एक चीज़ और, जब ये सारे डिस्कशन के बीच में पता चला कि वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो भी पाइपलाइन में है और अगले सॉफ्टवेयर अपग्रेड में आ जाएगा, तो बस उसी का वेट कर रहे हैं, दैट विल बी बहुत अच्छा मूव होगा टाटा की तरफ से, जल्दी से लाना चाहिए उनको ये फीचर। अब आपने बताया था कि आपका एक फेवरेट फीचर्स में से JBL म्यूजिक सिस्टम भी है, लेकिन एक बार डिटेल में ये बात आपसे जानना चाहता हूँ कि JBL म्यूजिक सिस्टम में एग्जैक्टली एक्सपीरियंस आपको कैसा मिलता है, मतलब क्या है उस सिस्टम में ऐसा जो आपको अच्छा लगता है? कंपनी ने बोलने के लिए तो कह दिया कि 9 स्पीकर दिए हुए इंक्लूडिंग अ सबवूफर एंड एन एम्पलीफायर, बट आपको क्या ऐसा लगता है उस म्यूजिक सिस्टम के बारे में कि वो एकदम ओवरहाइप्ड है या एकदम है उस लायक कि उसको इतनी ज्यादा तारीफ मिलनी चाहिए? JBL म्यूजिक सिस्टम, यस, वन ऑफ माय फेवरेट इन दिस कैबिन, बहुत ही अच्छा सिस्टम है, और इस गाड़ी के पहले मुझे नहीं पता था कि, और मैंने कभी आफ्टर मार्केट म्यूजिक सिस्टम यूज़ नहीं किया, हमेशा स्टॉक पे ही चलाता हूँ गाड़ी, तो मैंने कभी फील नहीं किया कि इतना अच्छा म्यूजिक सिस्टम भी गाड़ी में हो सकता है, और सो बहुत अच्छा, मतलब हर मूड के म्यूजिक के लिए इट्स वेरी गुड, अकूस्टिक्स आर वेरी नाइस, एंड द वूफर एट द बैक एड्स टू इट, मीन्स जब ड्राइव कर रहे हो आप और कोई अच्छा बीट्स वाला गाना है और पीछे से वूफर आपको अच्छे से बीट दे, या नथिंग लाइक इट, सो अमेजिंग, मींस वेरी नाइस म्यूजिक सिस्टम। एक क्यूरियोसिटी कई लोगों में ये भी होगी कि बॉस ग्रुप जो आप लोगों ने बनाया है, यानी कि बैंड ऑफ सफारी सोल्स, ये जो ऑल इंडिया टाटा सफारी ओनर्स का ग्रुप आप लोगों ने बनाया हुआ है, ये कैसे क्रिएट हुआ, इसके पीछे क्या आइडियोलॉजी थी, और इस ग्रुप के साथ में आपके क्या फ्यूचर प्लान्स है, क्या थग ग्रुप की तरह यहाँ पर भी आप काफी सारे ड्राइव वगैरह पर जाएंगे, एडवेंचर ड्राइव वगैरह होंगी और ऑफ रोडिंग वगैरह के ड्राइव होंगे, क्या क्या चीजें होंगी इस ग्रुप के साथ में, और ऑल ओवर इंडिया में आज टाटा सफारी 2021 फेसलिफ्ट ओनर्स जितने भी हैं वो अगर आपके ग्रुप में नहीं है तो वो आपसे कैसे जुड़ सकते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। बॉस, यस, वो भी एक बहुत अच्छी स्टोरी है। मैंने सफारी खरीदी, उसके बाद फेसबुक पे सर्च करना शुरू किया कि कोई ग्रुप बना क्या, और हम ढूंढ रहे थे तब एक फेसबुक पे एक और वन ऑफ द फाउंडर मेंबर हैं बॉस के, सुरेश, सो उनसे मिला एंड उन्होंने बताया कि हमने ऑलरेडी एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है, तो
तुरंत उसको ज्वाइन किया। पहले 4-5 लोगों में थे हम जब हमने बॉस ग्रुप, तो मेरी गाड़ी की डिलीवरी 9 मार्च को हो गई थी, तो फर्स्ट फ्यू मेंबर्स वो है जिनके पास सफारी थी, तो हमने वो ग्रुप बनाया, पहले सफारी ओनर्स ग्रुप नाम था उसका, और हमने स्टार्ट किया लोगों को उसमें ऐड करना। देन वी स्टार्टेड, सोचा कि उसमें इसका नाम होना चाहिए, तो ठग का वो हैरियर का ग्रुप है ठग, तो और गॉड है डस्टर्स का, सो वी थॉट कि इट शुड हैव सम बढ़िया सा नाम होना चाहिए। तो एक और ग्रुप में हमारे मेंबर है रमीज, सो ही सजेस्टेड समथिंग बॉस में होना चाहिए बिकॉज वी हैव अ बॉस मोड ऑल्सो, सो समथिंग उसमें से निकल के आना चाहिए। तो मैं ऐसे रात में बैठा हुआ था और मैंने सजेस्ट किया, सजेशन भेजा कि बैंड ऑफ सफारी सर्फर्स बनाते हैं, सो समबडी सजेस्टेड ने बैंड ऑफ सफारी सोल्स बनाते हैं, दैट इज़ हाउ बॉस इज क्रिएटेड। बॉस में अभी ऑलमोस्ट 200 मेंबर है, मैं उसमें नॉर्थ इंडिया टीम की तरफ से रिप्रेजेंट करता हूँ, एडमिन टीम, इट्स अ ग्रुप, एंड अभी हम सब अभी प्लान्स यही है कि सब आपस में अच्छे से कनेक्ट हो जाएं और सारे लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और वी कैन क्रिएट अ गुड कम्युनिटी टू एनहांस द ओनरशिप एक्सपीरियंस ऑफ ऑल सफारी ओनर्स, सो दैट इज़ अ मेन एम। अभी बॉस इज अवेलेबल ऑन बैंड ऑफ सफारी सोल के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, फेसबुक पे ग्रुप भी है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जो क्लोज्ड है सिर्फ सफारी ओनर्स के लिए। तो अगर आपने सफारी बुक कर दी है या आपने आपके पास है सफारी, तो फेसबुक पे सर्च करें बैंड ऑफ सफारी सोल्स और आप वहाँ पे आके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। और फ्यूचर में हम लोग डेफिनेटली हम लोग प्लान करेंगे मीटअप, हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया, तो हम कहीं भी जाते हैं। अभी मैं लखनऊ गया था, वहाँ पे दो सफारी ओनर्स मिले, तो हमने एक छोटा सा मीटअप ऑर्गेनाइज किया। अभी हमारे फ्रेंड जो पुणे में है, सुरेश इज ऑल्सो इन पुणे, सो वहाँ पे उन लोगों ने एक मीटअप प्लान किया था, तो दे हैड, सो वी हैव स्टार्टेड स्मॉल मीटअप्स, वी विल ग्रो इट एज अ कम्युनिटी एंड काइंड ऑफ अ कल्ट वी विल एस्पायरिंग टू मेक आउट ऑफ बॉस। सो आशुतोष जी, थैंक यू सो मच कि आपने इतना अच्छा फीडबैक हमें दिया, अपनी गाड़ी के बारे में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जो व्यूअर्स हैं जो हमें देख रहे हैं, उन्हें बताइए कि निगजिक चैनल के साथ में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, कौन से वीडियोस हैं जो आपको लगता है ज्यादा अच्छे रहे, जो आपके काम भी आए, और आप कब से हमारे वीडियोस देख रहे हैं? निखिल के ग्रुप वीडियो का मैं बहुत ही लेटेस्ट सब्सक्राइबर हूँ, मैंने सबसे पहले जो वीडियो देखा वो था लाउडेस्ट हैरियर, और उसके बाद जब मैंने चैनल देखा तो फिर और देखना शुरू किया, तो वहाँ पर एक वीडियो मिला एनाटॉमी अबाउट सफारी एंड दैट वाज अमेजिंग। ऐसा वीडियो जो वाकई असल में लोगों के पास गाड़ी की इन्फॉर्मेशन पहुँचाता है कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं है, तो बहुत बढ़िया वीडियो, और बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोज देखे मैंने उसमें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें सफारी एनाटॉमी में मुझे पता चली जो मुझे खरीदने के बाद भी नहीं पता थी, तो यस ग्रेट जॉब निखिल। एंड तो बहुत इन डेप्थ रिव्यू होते हैं, एक रिव्यू में एक वीडियो मैंने देखा फोर्ड एंडेवर का, आई वाज ऑलमोस्ट कन्विंस कि मुझे एंडेवर ले लेनी चाहिए, बट मैंने ऑलरेडी सफारी ले लिया, बट हाँ इट्स दैट्स अ ग्रेट जॉब, निखिल इज डूइंग वेरी नाइस, ही वो क्या कर रहे हैं, वो आपको वो पहुंचा रहे हैं जो आपको एक्चुअली रिक्वायरमेंट है जब आप गाड़ी लेने का डिसीजन बना रहे हैं। तो निखिल यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, ऑल द बेस्ट, एंड प्लीज ऑल हु आर वॉचिंग दिस प्लीज सब्सक्राइब टू निखिल चैनल निगजिक, थैंक यू। ऑलराइट गाइस, दैट्स ऑल फॉर नाउ, आई होप आपको आज का हमारा इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया हो, और जो ओनरशिप एक्सपीरियंस आशुतोष जी ने शेयर किया है वो भी आपको ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपके काम भी आएगा। अगर आप फ्यूचर में टाटा सफारी परचेस करने का प्लान कर रहे हैं तो आपको भी काफी ज्यादा हेल्प मिल चुकी होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपके रह जाते हैं टाटा सफारी या हैरियर रिलेटेड या कोई और गाड़ी रिलेटेड, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आपके क्वेश्चन एंड मैं कोशिश करूंगा आपको पर्सनली आंसर करने के, दूसरा आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए मेरे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पर मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपसे आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट डिस्कस करके आपको आपके लिए एक सुटेबल गाड़ी सजेस्ट भी कर सकता हूं। इसके अलावा मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूं आशुतोष जी के और उनकी फैमिली मेंबर्स के, खास तौर पर जो आशुतोष जी के बड़े बेटे हैं मास्टर पलाश, आपने जो डैडी को वीडियो बनाने में असिस्ट किया है, थैंक यू सो मच फॉर दैट, एंड आई एम श्योर आप भी आगे जाकर के कार एंथुसियास्ट बनेंगे, सो ऑल द बेस्ट टू यू। ऑलरेडी आशुतोष जी के साथ ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे आते रहेंगे क्योंकि वो बॉस ग्रुप के मेंबर हैं, तो आई एम श्योर कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्टिविटी या कोई ना कोई ड्राइव में हमारा मिलना होता रहेगा। ऐसे और भी कई सारे कार ओनरशिप वीडियोस हमारे आते रहेंगे, ना सिर्फ टाटा सफारी एंड हैरियर के, दूसरे ब्रांड की भी गाड़ियों के हमारे ओनरशिप वीडियोस आते रहेंगे, और मेरा अगला वीडियो फोर्ड एंडेवर की डिलीवरी वाला भी आने वाला है, तो ऐसे सभी मेरे फ्यूचर एक्साइटिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन के साथ ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे, एंड अंटिल नेक्स्ट वीडियो गुड बाय एंड ड्राइव सेफ।